नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम LIC के किसी भी प्लान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर उस फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे जिसे LIC ने अपने कस्टमर को दिया है। दोस्तों, अगर आप कस्टमर हैं और LIC के प्लान परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, साथ साथ में अगर आप LIC के एजेंट भी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, यहां पर LIC ने नॉन मेडिकल इंश्योरेंस की जो राशि है, बीमा राशि, उसे यहां पर LIC ने बढ़ा दिया है। मतलब पहले जब भी आप कोई प्लान परचेस करते थे, एक सम इंश्योर्ड के बाद वहां पर मेडिकल कराना जरूरी होता था, जिसके लिए कई कस्टमर रेडी नहीं होते थे क्योंकि वो मेडिकल कराने जा नहीं सकते थे तो वो इंश्योरेंस नहीं लेते थे। बट यहां पर LIC ने उसकी राशि को बढ़ा दिया है तो कस्टमर को यहां पर काफी अच्छा बेनिफिट होगा, साथ साथ में उसे और भी आसान कर दिया है बीमा करवाने के लिए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे कि नॉन मेडिकल इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है और किसके लिए काम करता है, और LIC ने नॉन मेडिकल इंश्योरेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर यहां पर देखें नॉन मेडिकल बिजनेस को LIC ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसमें LIC ने पहले दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है नॉन मेडिकल स्पेशल बिजनेस और दूसरा है नॉन मेडिकल जनरल बिजनेस। अब दोस्तों, इसके भी सब कैटेगरीज आए हैं। अब उस कैटेगरी में अगर आप एजेंट है तो आपके कस्टमर किस कैटेगरी में बैठते हैं वो भी आपको उसके बारे में जानना होगा। साथ साथ में अगर आप कस्टमर हैं, LIC के इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप किस कैटेगरी में बैठते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी बताऊंगा। नॉन मेडिकल स्पेशल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर जो मेजर लाइफ है, जो 18 वर्ष से ज्यादा है और उसके पास स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, तो वह इस पॉलिसी की कैटेगरी में बैठता है। और NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन या फिर FNIO ऐसा जो ग्रुप 5 में आते हैं वो यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं। अगर यहाँ पर नॉन मेडिकल जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो पहला यहाँ पर आता है प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। मेजर स्टूडेंट्स जिसकी एज 30 वर्ष तक है तो वो भी इस कैटेगरी में आता है। साथ में अगर कोई व्यक्ति के पास स्टैंडर्ड एज प्रूफ है और वो मेजर मेल्स या फिर लिटरेट फीमेल है तो वो इस कैटेगरी में आती है, चाहे वो इनकम करते हैं चाहे वो इनकम नहीं करते हैं। वही अगर स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं है और वो मेजर मेल्स हैं या फिर आदमी हैं या फिर औरत हैं तो भी इस कैटेगरी में आते हैं नॉन मेडिकल जनरल बिजनेस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नॉन मेडिकल स्पेशल बिजनेस के सब कैटेगरी के बारे में। तो पहला आता है मेजर लाइफ्स हु सबमिट स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो दोस्तों, यहां पर अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना चाहता है LIC का, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो ऑफिस में काम करता है या फिर आर्म फोर्स से भी रिलेटेड है तो वो इस कैटेगरी में फिट बैठता है। साथ साथ में अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या स्कूल है या फिर सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो भी इस कैटेगरी में फिट बैठता है। अगर कोई सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में आता है, कोई भी कॉरपोरेशन है चाहे वो LIC ही क्यों ना हो, साथ साथ में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट से है तो भी मेजर लाइफ्स हु सबमिट द स्टैंडर्ड एज प्रूफ के कैटेगरी में बैठता है। वहीं अगर कोई कंपनी लिस्टेड है नेशनल या तो फिर इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो वो भी मेजर लाइफ सबमिट एट स्टैंडर्ड एज प्रूफ के कैटेगरी में फिट बैठता है। अगर दोस्तों इस कैटेगरी में बात करें तो यहां पर 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष में जो पहले लिमिट थी 30 लाख, अब उसे LIC ने 60 लाख कर दिया है, चाहे वो कोई भी प्लान परचेस करे। 36 साल से 45 साल की जो लिमिट थी 20 लाख की, उसे LIC ने 30 लाख कर दिया है। और 46 साल से 50 साल के व्यक्ति की जो पहले लिमिट थी 10 लाख थी, अब उसे LIC ने 15 लाख कर दिया है, चाहे आप कोई भी प्लान परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप अगर देखेंगे तो LIC ने अप्रोक्स उसे डबल कर दिया है या फिर डबल के नियरेस्ट रख दिया है। साथ साथ में
जो NRIs हैं या फिर FNIO से रेसिडेंट्स ऑफ ग्रुप 5 में कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो भी ही सेम इस तरह से पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, चाहे वो 18 से 35 वर्ष के एज में है तो 60 लाख की पॉलिसी तक का परचेस कर सकते हैं, 36 से 45 तक के 30 लाख की पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, 46 से 50 तक में 15 लाख तक की पॉलिसी वो परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहां पर जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो जो पहला हमारा पॉइंट था प्रोफेशनल या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, अब दोस्तों इसमें आता कौन है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो या एक्चुअरीज हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कंपनी कंसल्टेंट है या कंप्यूटर कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, टीचर्स है, टीचर्स अगर है तो उसके पास कम से कम बीएड डिग्री होनी चाहिए, बीएड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लेक्चरर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर वो एलआईसी एजेंट भी है, अगर उस एजेंट है तो उसकी जो एजेंसी है वो इनफोर्स कैटेगरी में होनी चाहिए और कम से कम उसकी एजेंसी को 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए तो वो प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। उसके पास स्टैंडर्ड एज प्रूफ होना जरूरी है, साथ साथ में जो इनकम है वो ITR होनी चाहिए और 2.5 लाख से ऊपर तक का होना चाहिए, जो पैन कार्ड उसके लिए कंपलसरी है। अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेल है या फीमेल है, अगर उसने 10 लाख का हर साल टैक्स फाइल रिटर्न किया है तो वो भी इस कैटेगरी में फिट बैठता है और यहां पर उसके पास स्टैंडर्ड एज प्रूफ होना चाहिए, साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ITR का जो मिनिमम अमाउंट है, इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए यहां पर पैन कार्ड के साथ में होना चाहिए। अगर दोस्तों यहां पर देखें तो इनकी जो इंक्रीज हुई है, बीमा राशि इंक्रीज हुई है, नॉन मेडिकल में कितना हुआ उसके बारे में देखें तो एज 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में पहले ये 25 लाख तक की पॉलिसी परचेस कर सकते थे, लेकिन यहां पर LIC ने इसे 10 लाख की और बढ़ोतरी करके 35 लाख कर दिया है, मतलब यहां पर आप कोई भी प्लान परचेस कर सकते हैं। 36 साल से 45 साल के लिए 15 लाख को बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है और 46 साल से 50 साल के लोगों के लिए 8 लाख को बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। साथ में अगर हम यहां पर मेजर स्टूडेंट की बात करें जिसकी एज 30 वर्ष तक है तो LIC ने इसमें कहा है कि उसके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो उसका एक कुछ ना कुछ तो सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसमें एडमिशन लिया होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर उसके जो माता पिता हैं उसे डिक्लेरेशन देना होगा कि उनका लड़का मेजर है और वो कॉलेज अटेंड करता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट अटेंड करता है रेगुलरली, तो उसके बारे में बताना होगा, साथ साथ में उसका पासिंग सर्टिफिकेट या फिर अगर उसने कोई एग्जाम दिया है या फिर एग्जाम के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है तो उसका भी यहां पर उसे पेपर लगाना होगा। साथ में LIC ने यह भी कहा है कि उस बच्चे को या उस मेजर स्टूडेंट को वही पॉलिसी दी जाएगी जो उससे मैच करती हो, उसके पेरेंट्स को उसके इनकम के हिसाब से ही वो पॉलिसी यहां पर दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पर LIC ने मेजर स्टूडेंट के एज में कितने सेमेस्टर की बढ़ोतरी की है उसके बारे में देखें तो 30 साल तक की एज के लिए 20 लाख की जो पॉलिसी पहले मिलती थी अब इसे LIC ने 30 लाख के कर दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी इंश्योरेंस मैच करेगा वो इसे यहां पर LIC देगी। दोस्तों अगर आगे देखें तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई मेजर मेल्स है या फिर फीमेल्स है जो लिटरेट है उसके पास ओन इनकम है, चाहे वो कमाती है चाहे वो नहीं कमाती है, अगर वो लिटरेट हाउस वाइफ है उसके पास अगर स्टैंडर्ड एज प्रूफ है तो यहां पर LIC ने कहा है कि अगर वो 18 साल से 35 साल के बीच में है तो पहले यहाँ पे LIC 8 लाख तक की पॉलिसी देती थी, अब LIC ने इसे 12 लाख कर दिया है, 36 साल से 45 तक के 5 लाख से 8 लाख कर दिया है और 46 साल से लेके 50 साल के व्यक्ति के लिए यहाँ पर LIC ने 3 लाख से सीधा 5 लाख की पॉलिसी देने का इरादा बना लिया है। अगर इससे ऊपर की कोई पॉलिसी लेता है तो यहाँ पर उसे मेडिकल कराना होगा। अगर दोस्तों यहां पर उनके पास कोई भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं है तो भी LIC यहां पर नॉन मेडिकल इंश्योरेंस प्लान उस व्यक्ति को जरूर देगी,
जिसके लिए उसकी एज कम से कम 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है, तो 5 लाख की जगह पे एलआईसी 6 लाख की पॉलिसी तक देगी। 36 साल से लेकर 45 साल के बीच में एज है तो 3 लाख की जगह पे 4 लाख तक की पॉलिसी देगी। और 46 साल से 50 साल के बीच में उसकी एज है तो 2 लाख की पॉलिसी से लेके बढ़ा के एलआईसी ने यहाँ पर 3 लाख कर दिया है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी परचेस कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एलआईसी ने सबसे अच्छा मौका दिया है। अगर आप एलआईसी के स्पेशल कैटेगरी में आते हैं या फिर जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आप एलआईसी की जो सम एश्योर्ड पॉलिसी है उसे आप बढ़ाकर भी ले सकते हैं नॉन मेडिकल कैटेगरी में आकर। अगर आप उस अमाउंट से जो एलआईसी ने रिवाइज करके जो अभी लॉन्च किया हुआ है उस अमाउंट से ज्यादा की कैट पॉलिसी लेते हैं तो आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.lsinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल lsinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।